तो सूरत ना पलसाणा की आ घटना है। रविवार की रात्र अही पलसाणा में एक चोरी की घटना सामे आवी हती। त्रण तस्करों एटीएम मशीन तोड़ी 29 लाख रुपया की चोरी ने अंजाम आप्यो छे। कौन छे आ शातिर चोर जोईशु आ रिपोर्ट में। ओगणत्रीस लाख की चोरी, एटीएम तोड़ी पैसा लईने फरार, कैमेरा फेरवी काम कर्यू, पलसाणा चार रस्ता की घटना। रविवार मोड़ी रात्रि पलसाणा चार रस्ता दृश्य छे। अहीं धोड़ा दिवस चोरी ने अंजाम आपवामां आव्यो छे। अहीं आवेल एक शॉपिंग सेंटर में एटीएम ने निशान बनावी भेजाबाज लाखों रूपया काढ़ी गयो हतो। पलसाणा पोलीस माहिती एकत्र करी तो 29 लाख थी वधुनी रकम चोरायानो बहार आव्यो छे। 1.5 मिनिट में मशीन ने खोली लाखों रूपया काढ़ी आरोपी फरार। पलसाणा चार रस्ता खाते एक बिल्डिंग ना ग्राउंड फ्लोर पर आवेलू आईसीआईसीआई बैंक ना एटीएम ने रविवारे मोड़ी रात्रिए तस्करे निशान बनाव्यु हतू, जेमा जुदा जुदा समय आटाफेरा करी मोढ़ा पर बुकानी पहरी एटीएम रूम ना कैमेरा फेरवी नाख्या हता। त्यारबाद आवी मात्र 1.5 मिनिट में मशीन ने खोली तेमाथी लाखों रूपया काढ़ी भागी छूट्यो। कैमेरा फेरवाई जता अने एटीएम में गड़बड़ी नी जाण सिक्युरिटी ने थता सिक्युरिटी ना माणसो आवी पोलीस ने जाण करी हती। जो कि सिक्युरिटीए पोलीस ने सचिन में घटना घटी होवानुं कह्युं। जो कि बीजा दिवसे पलसाणा पोलीस ने आ घटना नी जाण थता स्थानिक पोलीस सहित एलसीबी अने एसओजी घटनास्थले पहोंची तपास शुरू करी हती। एटीएम ना नोट अंगेना डेटा आधारे तस्करे 2000 दरनी 1210 नोट, 24,20,000 અને 500ના દરની 1,004 નોટ, 5,02,000 મળી કુલ 29,22,000 રૂપિયા મત્તાની ચોરી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે। પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તેમજ આસપાસના કેમેરામાં ચેક કરી તપાસ હાથ ધરી। બીજે દિવસે પલસાણા પોલીસને આ ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક પોલીસ સહિત એલસીબી અને એસઓજી સહિતનો સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો। पलसाणा पोलीस जाणभेदू होवानी शक्यता ने लईने गुनो उकेलवानी नजीक पहोंची गई होवानू चोर ने टूंक समय में दबोची लेशे तेम जणाव्यु। 500 रूपयानी नोटो थई अने कुल 29,02,000 जेटला पैसा अंदरथी काढी अने अजयविसम भागी गयेल छे। आना अनुसंधाने पलसाणा पोस्टेमां गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। તપાસ કરતી પોલીસ પણ એવું માની રહી છે એટીએમ મશીનમાં પૈસા લોડ કરનાર જ કોઈ પૈસા ચોરીને ફરાર થઈ ગયો છે। પોલીસ હાલ વિવિધ શંકાસ્પદ લોકોની પૂછપરછ હાથ ધરી છે। પોલીસ દરેક જાણભેદ ઉપર નજર રાખીને બેઠી છે। આ ઘટનામાં પોલીસ ગમે ત્યારે આરોપીને ઝડપી લેશે તે વાત નક્કી છે। સંદીપ વસાવા, વીટીવી ન્યૂઝ, સુરત, પલસાણા।